स्वागत है मेरी बीएल ब्लॉग में। अब गाइस बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ, निष्मान लग रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। और गाइस मैं तैयार अभी किसी लिए हुआ हूँ वो आपको नहीं बताऊँगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के ही आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। और गाइस हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए गाइस और बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस चलते हैं, आइए। हमारी कार रेडी है और हम बस 5 मिनट में निकलने वाले हैं। बता रहे थे कि हम बताएंगे पहुँच, और देखिए हम यहाँ आए द ग्रैंड निर्वाण रिजॉर्ट में। और गाइस देख सकते हैं ये बाहर से ऐसे दिखता है, और ये गेट है इसका, और बहुत बड़ा है, बरेली का सबसे बड़ा होटल है गाइस, देख सकते हैं आप। गाइस देख सकते हैं कितनी बढ़िया डेकोरेशन है, और लाइट वाइट है कितनी बढ़िया लग रही है, और वो बाहर आ जाने मस्त है, VIP अब बना हुआ। और गाइस इस होटल को देख के मज़ा आ गया, और सुंदर होटल है ये गाइस, और अंदर का नज़ारा भी और ज़्यादा भयंकर होने वाला है, देख सकते हैं गाइस, अभी दिखाएंगे। और हम अभी ये गाइस देख सकते हो वहाँ गेट है, वो दिख रहा है गेट है, और काफ़ी अंदर के लिए बना हुआ है, काफ़ी बीच में बना हुआ है गाइस, देख सकते हैं इधर लॉन है, और देखें ये फुब्बारा कितना मस्त है गाइस, चलते हैं अंदर। और ये ठीक सामने हमारा गेट है गाइस, और चलते हैं हम, गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है, हम अंदर आ गए हैं। और गाइस हम दूसरे इंगेजमेंट में चले गए थे, और गाइस ये बता दें कि यहाँ पे 3-4 प्रोग्राम एक बार में हो जाते हैं, इतना बड़ा है गाइस। और इसमें आज हमारी भाई की इंगेजमेंट है, और गाइस इसमें सिर्फ और लोगों को भी है, अभी हम गए थे वो दूसरे लोगों की थी इंगेजमेंट, देख सकते हैं यहाँ भी कितना प्यारा, काफ़ी बड़ा है, बड़े होने के कारण कई हो जाती हैं इसमें एंगेजमेंट शादियाँ, दो दो तीन तीन देख सकते हैं, मज़ा आ रहा है बेहतरीन नज़ारा। पीके बताएंगे किसका है गाइस, ये फ्रूटी है जूस नहीं है, फ्रूटी है और मैंगो जूस है गाइस, पानी आ गया पीने के लिए, सेल्फ बढ़िया बैठे बैठे पी जा रही है। और गाइस देख सकते हैं प्यारे आइटम लग रही है, और खाना है गाइस, और गाइस ये डिनर लगा हुआ पूरा गोल्डन भाई, नाश्ता की व्यवस्था की गई, गोलगप्पे वगैरह बहुत चीज़ है भाई, यहाँ जो है लोकेशन गजब का दिखा रहा है, झूमर है देख सकते हैं भाई, प्यारा नज़ारा भाई, ये काउंटर लगा है जूस, जूस चाहिए आपको जूस मिल जाएगी इस काउंटर गाइस, स्टेज एंगेजमेंट एंगेजमेंट होगी यहाँ पे बैठे गाइस, हमारे लिए पनीर टिक्का है, और पनीर टिक्का खा के देखते हैं, पनीर टिक्का बहुत स्पाइसी है, ये में रोल आ गया तो खाते इसको गाइस,
बाद वो भी छिल रही राइस स्पाइसी था और राइस बैठे अच्छी जा रही है टेबल पे खाने के लिए बढ़िया होटल का बढ़िया व्यवस्था है बैठे बैठे खाने मिल रहे बेटर टेबल की पहुँचा रहे हैं ये बॉल है ये बहुत मुझे पसंद है ये बहुत बढ़िया लगी देखते हुए बॉल है काफ़ी छोटी सी है और मस्त है देखने की और गाइस एक और पनीर का नाश्ता आ गया इसको भी खाते हैं गाइस ये आलू टिक्की है इसको भी खाते हैं मैंने वेटर से पूछा वॉशरूम की तरह तो ये वाला इसका ग्रेट ना हाई खाई है गाइस मैं अभी इस वक्त काम करूँ और देख सकते हैं बॉलरूम है लग रहा है कि किसी का बेडरूम है मतलब तगड़ा है देख सकते हैं गाइस झूमर लगा हुआ है देख सकते हैं गाइस हम उसके बाद यहाँ से पेपर निकलता है और इसे हम अपने हाथ साफ करके और डाल दें मटर के तेजी से हवा आती है इससे और गाइस दिखाएंगे बाहर से इसका गेट कितना तगड़ा गेट है देख सकते हैं कितना गेट हैवी गेट है तो हमारे नवाबगंज क्षेत्र के विधायक जी डॉक्टर एंडिया जी आए हुए हैं पार्टी में और चलते हैं उनसे मिलने के लिए गाइस मैं दिखा दूंगा पर लेकिन मिलने से पहले गाइस मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा गाइस फिल्म बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट स्टेज की तरफ एक दूसरे को गाइस उधर we'll be right back.
खाने की रस्म पूरी हो चुकी है और हम चलते हैं खाना खाने, और गाय खाना खाने के बाद निकलेंगे और चलते खाना खाने। भाई खाना खाने लगा लिया है, खाते हैं। दाल मखनी ली है हमने और पनीर मसाला है और गाइस चावल हैं। तो गाइस ये हमने ले लिया रसगुल्ला और गाइस हमने खाना खा लिया है। गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत होटल गाइस और बड़ा अच्छा लगा गाइस। और गाइस बरेली का सबसे शानदार होटल है और मेरा मानना भी सबसे बड़ा भी होटल है गाइस। और गाइस अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।